वैसे तो आम हालातों में किसी भी इंसान का जीवन उससे छीन लेना किसी भी परिस्थिति में गलत होता है, लेकिन कानून के अनुसार जब कोई इंसान इंसानियत की सारी हदें पार कर दे तो उसके लिए अक्सर सबसे उचित सजा मौत ही मानी जाती है। सजाए मौत यानी कि कैपिटल पनिशमेंट, ये वो खौफनाक कानूनी दास्तां है जिसे सुनते ही अच्छे से अच्छे हैवान कैदी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। यही एक ऐसी सजा भी है जो इंसानी सभ्यता में बहुत पुराने काल से चली आ रही है। इसमें कैदी को सबसे पहले बुरी तरह तड़पाया जाता और अंत में उसे उसके गुनाहों की सजा मिलती मौत के रूप में, एक डरावनी मौत। इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, नागरिकों में डर और खौफ पैदा करना ताकि वो कोई भी गुनाह करने से पहले हजार बार सोचे या फिर मौत के डर से कोई अपराध करे ही ना। हाँ, वो बात अलग है कि आज के रिसर्चेस कुछ और ही बताते हैं। 90% क्रिमिनोलॉजिस्ट का यह मानना है कि सजाए मौत क्राइम को रोकने के लिए कुछ भी नहीं करता, क्योंकि एक क्रिमिनल का माइंडसेट ही कुछ ऐसा होता है क्राइम करते वक्त कि वो पकड़े जाने के बारे में कभी सोचता ही नहीं है। उसके ज़िंदगी के चॉइसेस और ज़रूरतों की वजह से उसे क्राइम करते वक्त इतना कॉन्फिडेंट बना देता है कि फिर पकड़ा जाना जैसे शब्द उसके डिक्शनरी में होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी पॉलिटिशियंस इस सजा को सपोर्ट करते हैं क्योंकि पूरी जनता को यह सख्त और बेहतर कार्रवाई लगती है किसी भयंकर क्राइम के लिए, और इससे पॉलिटिशियंस को वोट बैंक भी मिल जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 3 सिंपल तरीके हैं जिससे क्राइम को कई हद तक कम किया जा सकता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसलिए ब्रो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, किसी की भी जान लेना मोरली गलत होता है, लेकिन कानून और दुनिया की नज़रों में एक क्रिमिनल की जान लेना ही उसके कर्मों की सबसे सही सजा होती है। आज डेमोक्रेसी का युग है जिसमें आते हैं हमारे ह्यूमन राइट्स। किसी की भी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे इसका भी ख्याल रखना होता है, तो फिर कैसे कानून के अधिकारी किसी भी मुजरिम को सजा देते वक्त अपनी इंसानियत को भी कायम रख पाए। इतिहास की किताबों में मृत्यु दंड देने के कई घिनौने और रूह कपा देने वाले तरीके दर्ज हैं, जिनमें से बहुत से तरीके आज भी अपनाए जाते हैं। सर धड़ से अलग कर देना सऊदी अरेबिया, यमन और कतर में आज भी लागू है। फायरिंग स्क्वाड इराक, इंडोनेशिया और यूएई में। इलेक्ट्रिक चेयर यूएसए में। और हैंगिंग मतलब फांसी लगभग पूरी दुनिया भर में। अधिकतर देशों से डेथ पेनल्टी मतलब मृत्यु दंड को हटा दिया गया है, लेकिन दूसरे देशों में भी पिछले कुछ सालों से इंसानियत का ख्याल रखते हुए एक नई तकनीक को लाया गया जिसे कहते हैं लीथल इंजेक्शन। लीथल इंजेक्शन एक लेटेस्ट तकनीक है और एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसमें माना गया है कि इसमें मुजरिम को मरते वक्त जरा सा भी तकलीफ नहीं होता, बिल्कुल वैसे जैसे कोई गहरी नींद में चला जाता है और कभी वापस नहीं उठता। ऐसा इसलिए किया जाता है कि यदि किसी भी कारण से किसी इंसान को मौत की सजा देना जरूरी है तो कम से कम इंसानियत के नाते उसकी तकलीफ को कम करना कानून का फर्ज बनता है। आखिर ये डेमोक्रेसी का जमाना जो है। अब सवाल ये आता है कि आखिर में ये लीथल इंजेक्शन क्या है और ये काम कैसे करता है और मुजरिम को मौत की नींद कैसे सुलाता है। लीथल इंजेक्शन मुजरिम के खून में IV मतलब इंट्रावेनल इंजेक्शन के द्वारा ऐसे ड्रग्स इंजेक्ट किए जाते हैं जिससे कि मुजरिम की तुरंत और पेनलेस मौत होती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गया हो। इस पूरे प्रक्रिया में इंजेक्शन से लेकर मुजरिम के धड़कन थमने तक का वक्त 5 से 10 मिनट लगता है। एक मुजरिम को मृत्युदंड देने का डेट जब पक्का हो जाता है तो उसकी मौत के पहले के 24 घंटे उस मुजरिम की हर आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। उन 24 घंटों में उसके परिवार वाले और कुछ करीब के दोस्त उससे मिलने आते हैं, उसे पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए जाते हैं और उसके आखिरी डिनर में उसे उसके पसंद का डिशेज खिलाया जाता है। ये सारा कार्यक्रम हो जाने के बाद उसे एक्सक्यूजन रूम में ले जाया जाता है जहाँ डॉक्टर्स के अलावा उसके परिवार वाले, विक्टिम यानी पीड़ित के परिवार वाले, जेल का वार्डन और कुछ गार्ड्स होते हैं। जहाँ पुराने जमाने में भरी सभा में हजारों लोगों के सामने अपराधी को सजा दी जाती थी, वहीं आज बस कुछ चंद लोग ही इस सजा के गवाह होते हैं ताकि उस मरने वाले इंसान का आत्मसम्मान सुरक्षित रहे। तो अब उसे एक बिस्तर पर लिटा दिया जाता है और उसे रस्सी या चैन से उस बिस्तर पर बांध दिया जाता है। उसके बाद उसके दोनों बाहों में एक IV डाली जाती है। इन्हीं IV से उसके खून में ड्रग डाला जाएगा जिससे उसकी मौत हो जाएगी। अब आते हैं लीथल इंजेक्शन के एक्चुअल प्रक्रिया पे। सबसे पहले मुजरिम के खून में IV द्वारा एक स्लाइन सॉल्यूशन यानी नमक और पानी का घोल इंजेक्ट किया जाता है। ना, इससे वो नहीं मरेगा। ऐसा असल वाली दवा को खून में डाइल्यूट यानी पतला करने के लिए किया जाता है ताकि दवा बॉडी के हर पार्ट तक आसानी से पहुंचे।
इसके बाद सबसे पहला ड्रग जो मुजरिम के खून में डाला जाता है वो है सोडियम थायोपेंटोल, जिसको सोडियम पेंटोथल के नाम से भी जाना जाता है। ये ड्रग एक बारबिट्यूरेट है जो कि मेडिकली अप्रूव्ड मात्रा से ज़्यादा मात्रा में इंसान को बेहोश कर देता है। इस ड्रग के इंजेक्ट होने के लगभग 30 सेकंड के अंदर ही इंसान बेहोश हो जाता है और उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। इसके बाद एक बार फिर से सलाइन सॉल्यूशन इंजेक्ट किया जाता है और फिर दूसरा केमिकल इंजेक्ट किया जाता है जो है पेंक्यूरोनियम ब्रोमाइड यानी पेव्यूलोन। ये पेव्यूलोन पूरे शरीर को पैरालाइज यानी लकवाग्रस्त कर देता है और उसके बाद उसके शरीर का कोई भी भाग 1 मिलीमीटर भी नहीं हिल सकता, यहाँ तक कि इंसान के फेफड़े तक पैरालाइज हो जाते हैं, जिस कारण इंसान की सांस रुक जाती है और इस प्रोसेस में लगभग 1 से 3 मिनट का समय लगता है और फिर मुजरिम की सांस रुक जाती है। अब फाइनली एक बार फिर से आईवी में स्लाइन सॉल्यूशन को डाला जाता है, जिसके बाद डाला जाएगा तीसरा और फाइनल केमिकल। ये आखिरी ड्रग होता है पोटेशियम क्लोराइड, जो कि सीधा इंसान के दिल में इंजेक्ट किया जाता है। ये केमिकल इंसान के दिल से पूरी बॉडी में ट्रांसमिट होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ख़त्म कर देता है, जिससे दिल की धड़कन थमने लगती है और कार्डियक अरेस्ट मतलब दिल की धड़कन रुकने के कारण 1 मिनट के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। ये होता है फाइनल स्टेप ये जानने का कि मुजरिम पूरी तरह से मर चुका है। इसके बाद उसके शरीर को उसके परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 5 से 18 मिनट तक का समय लगता है और यही लीथल इंजेक्शन अब तक की सबसे नई तकनीक है मुजरिमों को मौत के घाट उतारने का, जो कि अब भी कई देशों में लागू नहीं हुई है। 1982 में USA दुनिया का सबसे पहला देश बना जिसने लीथल इंजेक्शन को कैपिटल पनिशमेंट के लिए सबसे मुख्य तकनीक के रूप में अपनाया। इसके बाद 1997 में चाइना और फिर बाद में धीरे धीरे ग्वाटेमाला, फिलीपींस, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों ने लीथल इंजेक्शन को अपनाया मुख्य मृत्यु दंड के रूप में। वैसे तो लीथल इंजेक्शन का मतलब है कि इंसान को दर्दनाक और क्रूर मौत ना मारे, लेकिन कोई भी चीज़, खासकर जिसमें केमिकल और ड्रग्स का इस्तेमाल हो, कभी भी 100% फुल प्रूफ नहीं होता। इसलिए अगर लीथल इंजेक्शन की प्रक्रिया में थोड़ी सी भी चूक हुई तो मुजरिम बहुत दर्दनाक मौत मरता है। 1982 और 2018 के बीच में लगभग 51 ऐसे केसेस रह चुके हैं जिनमें केमिकल के शरीर में गलत तरह से रिएक्ट करने की वजह से मुजरिमों ने बहुत ही ज़्यादा दर्द झेला और जिस प्रक्रिया में आमतौर पर 5 से 10 मिनट लगने चाहिए उसे घंटों लगे। हर एक पल भयंकर दर्द और इस कदर कि मुजरिम खुद डॉक्टरों से गिड़गिड़ाकर भीख मांगता रहा, अपनी ज़िंदगी की नहीं बल्कि मौत की भीख मांगता रहा। और इनमें से सबसे खतरनाक और सबसे दर्दनाक केस 2014 में हुआ था, जिसमें सबसे प्रसिद्ध एक्सक्यूजन था जोसेफ रुडोल्फ वुड 3 का, जिनकी लीथल इंजेक्शन की प्रक्रिया 2 घंटे से ज़्यादा तक चली थी और उन 2 घंटों में जोसेफ हर एक पल मछली की तरह छटपटाता रहा। उस साल US में ये 4th ऐसा केस था जो इतना खराब हुआ था, जिसने इंसानों द्वारा बनाए गए इस नई तकनीक पर ही प्रश्न खड़े कर दिए थे। वैसे क्रिमिनोलॉजिस्ट का मानना है कि सजा की शक्ति को बढ़ाना जुर्म को रोकने का सबसे असरदार तरीका नहीं है और उनके पास इस बात को प्रूव करने के स्टैटिस्टिक्स भी हैं। इसकी जगह सजा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल पाए इस बात का ध्यान रखना जुर्म को रोकने में कई गुना ज़्यादा असरदार है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जितनी जल्दी सज़ा मिलेगी तो जुर्म करने वाले लोगों को ये पता होगा कि अधिकतर जुर्म करने वाले लोग कानून के द्वारा पकड़े ही जाते हैं, तो ज़्यादा चांस है कि वो कोई भी जुर्म करने से पहले 10 बार सोचेगा। मतलब ये कि कानून को ठीक से और तेज़ी से लागू करना सबसे बड़ा डर है एक मुजरिम का। और इंडिया में ही देख लो 1995 से लेकर आज तक कितने मृत्युदंड दिए गए हैं, मतलब कितने लोगों को असल में फांसी पर चढ़ाया गया, सिर्फ 8 लोग, जिसमें से निर्भया केस के 4 अपराधियों को इसी साल 2020 में फांसी मिली। साल 1995 के एक रिसर्च में मिनियापोलिस शहर के बिजी एरियाज में पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई और उस साल उसी एरिया में जुर्म 10 से 13% कम रिपोर्ट हुआ, क्योंकि जुर्म करने वालों के पकड़े जाने की संभावना ज़्यादा थी। मतलब साफ है कि इंडिया में जितने भी बड़े केसेस के बारे में आप जानते हो, चाहे वो रेप हो, मर्डर हो या चोरी हो, अगर उस वक्त वहाँ पुलिस मौजूद होती तो 80% संभावना थी कि वो घटनाएं होती ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर निर्भया रेप केस, सोचो अगर उस रात उस बस में सिर्फ 1 पुलिस वाला होता या फिर आसपास पुलिस वाले सही से अपनी ड्यूटी कर रहे होते तो क्या उस लड़की के साथ इतनी बड़ी हैवानियत होती? बॉस, मेरे कहने का मतलब इतना है कि अगर आज जुर्म को रोकना है तो लोगों में कानून का डर होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा योगदान होगा जुर्म को रोकने में शिक्षा का। यस ब्रो,
सरकार द्वारा हर एक स्कूल, कॉलेजों में, इवन जेलों में भी अपराध और अपराध की कड़ी से कड़ी सजा के बारे में शिक्षा देना होगा, क्योंकि अब जुर्म करने वालों को जुर्म और उसके सजाओं की अच्छे से समझ भी होगी, जो उन्हें अक्सर नहीं होती। उन्हें पता होगा कि वे जुर्म करने पर पकड़े ही जाएंगे और इसलिए उन्हें जुर्म नहीं करना चाहिए, और इसके जगह क्या करना चाहिए, ये सब की भी सीख मिलेगी। और इन सब के अलावा बहुत से जुर्म करने वाले मानसिक तौर पर बीमार भी होते हैं, तो उनके लिए फ्री हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ताकि वो खुद अपना सही इलाज करवाने सही जगह पर पहुंच जाए। वैसे दोस्तों, आखिर पॉलिटिशियंस को ये सब करके क्या फ़ायदा होगा? मुजरिमों को क्रूर सजा दिलाकर पॉलिटिशियंस जनता का विश्वास जीतते हैं, आखिर वे उनके वोट बैंक जो हैं। लेकिन ऐसे में जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि प्रॉब्लम के मेन जड़ को ही ख़त्म नहीं किया जा रहा। आगे भी ऐसे केसेस आते रहेंगे और पॉलिटिशियंस को वोट मिलते रहेंगे और लोगों को लगता रहेगा कि वास्तव में उन्हें इंसाफ मिला, लेकिन उनका क्या, उनके परिवार वालों का क्या, जिनके साथ कोई घटना हुई, रेप या मर्डर हुआ? थोड़ा सोचो, क्या हमें सच में इंसाफ मिला? आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।